हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करें, इसलिए हम सारे देश में घूम रहे हैं और स्पेशली यूथ के साथ मिलके उनके साथ बातें करके, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के हम इस फिल्म को प्रमोट। एक्चुअली जो पोस्टर है वो जैसे हमने बाकी जगह पे भी हम लोग गए तो बहुत, जैसे अहमदाबाद में भी एक ह्यूज पोस्टर बनाया है वहाँ के IIM के स्टूडेंट्स ने, तो आई थिंक कुछ पोस्टर कुछ अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, और उसके जो नीचे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद एक स्लोगन बन गया है, तो एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है डायलॉग के ज़रिए और पोस्टर के ज़रिए जो लोगों से जो कनेक्शन मिल रहा है वो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। कल दशरथ मांझी की डेथ एनिवर्सरी है और 17 अगस्त को हम गहलोर जाकर उनके गांव में जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म की रिलीज़ और उनका जन्म। आई थिंक सबसे बढ़िया जो कनेक्शन है वो मेरे लिए, मुझे लगा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो ठीक है माध्यम फिल्म है, लेकिन इस इंसान के बारे में सबको पता होना चाहिए, स्पेशली यूथ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक आम सा आदमी था लेकिन जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था। और आई थिंक जहाँ मुझे लगता है कि इस वक्त जहाँ पे भी हम जा रहे हैं सबका एक आइकन रोल मॉडल की तरह हो गया, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि इसने बिल्कुल इम्पॉसिबल काम किया, तो हर आदमी उसके डायलॉग से कनेक्ट कर रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, तो इस तरह के जो डायलॉग का एक क्रेज़ बनता जा रहा है पूरे उसमें। जब हम आउट ऑफ बॉम्बे गए तो हर स्टेट में एक कनेक्शन बनता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। और मुझे हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और बहुत उम्मीद है इस फिल्म से कि ये इंसान, इस इंसान की स्टोरी यूथ तक जाएगी। ऑफकोर्स अगर डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म में मेरा अब तक का बेस्ट काम है और जितना भी यूथ है और देखे वो, क्योंकि इतना डिटेलिंग काम है आई थिंक मैंने अब तक किसी फिल्म में नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिल्म की वजह से, बट अभी तक जितनी फिल्में देखी हैं आई थिंक ये बहुत ही मैच्योर काम है मेरा। ताज्जुब तो ये हुआ कि हर शहर में ऐसी कहानियाँ मिली जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग हो। शायद हम लोगों ने अपने नज़दीक आसपास देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आम आदमियों में भी ऐसे खास लोग होते हैं जो अपने, सिर्फ अपने लिए नहीं आसपास के सभी लोगों के लिए कुछ खास काम करके दिखाते हैं। अमेजिंग स्टोरीज ऑल अक्रॉस इंडिया।